हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपन लिप विद डॉक्टर पूनम। क्या स्केलिंग कराने से दांत घिस जाते हैं क्या? ये बहुत सारे लोग जो स्केलिंग करवाना चाहते हैं या उनके दांतों में कोई कैलकुलस है, येलो विश है, पीलापन है और वो सोचते हैं कि हम दांतों की सफाई करवा के आते हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल ज़रूर उठता है कि कहीं हम स्केलिंग करवाते हैं तो इस स्केलिंग से या ये जो क्लीनिंग करवाने से जो मशीन चलती है उससे कहीं हमारे दांत तो नहीं घिसते हैं, कहीं दांत का इनेमल नहीं घिस जाए, सेंसिटिविटी शुरू ना हो जाए। ये सवाल हर किसी के मन में रहता है। मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं इस सवाल को लेके और मेरे जो पेशेंट्स हैं जो स्केलिंग करवाने आते हैं उनका ये सवाल रहता ही है कि क्या स्केलिंग करवाने से दांत घिसते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि क्या सफाई करवाने से, डेंटल स्केलिंग करवाने से दांत घिसते हैं, दांत सेंसिटिव होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि क्या डेंटल क्लीनिंग से, डेंटल स्केलिंग से दांत घिसते हैं, दांत कमज़ोर होते हैं, दांत सेंसिटिव होते हैं। तो इसका मेरे पास जो रिप्लाई है वो यही है कि नहीं, अगर आप दांतों की सफाई करवाना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हो कि हमारे दांत घिस जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके अगर दांत में कैलकुलस है, दांत में प्रॉब्लम है, येलो विश है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दांतों की सफाई यानी कि स्केलिंग करवानी चाहिए। जो डेंटल स्केलर होता है जिससे दांतों की सफाई की जाती है यानी कि क्लीनिंग की जाती है, वो किस तरह का होता है मैं आपको दिखाती हूँ। वो आपके दांतों को घिसता है या नहीं घिसता उसको मैं आज आपको समझाती हूँ। डेंटल स्केलर जो होता है उसकी टिप ऐसी होती है और वो इस टाइप का दिखता है। जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं यानी कि जैसे आपके दांत है, ये इनमें कैलकुलस फंसा हुआ है या कुछ भी है, तो मैं इसको जब क्लीन करूँगी डेंटल स्केलर से तो ये आपका जो इनेमल है उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। इसकी वजह से ये आपके दांत को नहीं घिसता है, इनेमल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपके अंदर इसके अंदर कैलकुलस है या कोई येलोविश, जैसे कि आपने कोई टोबैको च्यूइंग करते हो उसके जो धब्बे होते हैं वो अगर इस पर स्टिक किए हुए हैं तो वो इसको निकाल देता है, न कि आपके दांत को घिसता है। दांत घिसने की या हम जो कैविटी कट करते हैं उसकी जो मशीन होती है वो अलग से होती है, उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हम एयर रोटर बोलते हैं। ये होती है जो दांतों को हम कैविटी अगर होती है तो उसको क्लीन करते हैं, या दांतों को घिसने वाली जो मशीन होती है वो एयर रोटर होता है। इस टाइप की बर होती है, इससे दांतों की कटिंग होती है। अगर इनेमल इससे घिस, अगर अपन इससे करते हैं कुछ भी दांतों पे तो इससे तो इनेमल घिसता है, लेकिन अगर हम लोग इससे कुछ भी करते हैं आपके दांतों पे, कुछ निकालते हैं, क्लीन करते हैं, तो सिर्फ दांतों का जो कैलकुलस है, प्लाक है, वही क्लीन होता है। कैविटी के जो इनेमल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो आप बेफिक्र होकर डेंटल क्लीनिंग करवा सकते हो, इससे आपके इनेमल पे इफेक्ट नहीं होता, आपका दांत नहीं घिसता है और न ही सेंसिटिविटी होती है। जनरली जब हम क्लीनिंग करते हैं तो जो अंदर हमारा बहुत टाइम से फंसा हुआ जो कैलकुलस होता है वो क्लीन हो जाता है। क्लीन होने की वजह से वहाँ पर एम्प्टीनेस फील होता है यानी खालीपन फील होता है, हमारी टंग भी बार बार जाती है और हमें ऐसे खाली खाली लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा अजीब लगता है। वो ये 2 या 3 दिन में नॉर्मल हो जाता है क्योंकि हमें कैलकुलस की आदत होती है। जब वो खाली हो जाता है तो हमें लगता है ये क्या हो गया, खालीपन सा क्यों हो गया, कहीं हमारे दांत को घिस तो नहीं दिया इसलिए हमें खालीपन लग रहा है। तो वो 1 या 2 दिन आपको फील होता है, लेकिन वो कैलकुलस निकालने की वजह से फील होता है, न कि दांत घिसने की वजह से। तो अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको स्केलिंग करवाना है तो आप बेझिझक होकर स्केलिंग करवा सकते हैं, इससे आपके दांत नहीं घिसते हैं ना ही सेंसिटिविटी होती है। जैसे ही आप क्लीनिंग करवाते हैं उसके थोड़ा सा, क्योंकि वो मशीन एक बार के लिए चलती है, दांत माउथ ओपन रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी 1 या 2 दिन आपको हल्की फुल्की सेंसिटिविटी फील हो सकती है, लेकिन वो 2 या 3 दिन में नॉर्मल हो जाती है क्योंकि इससे कोई भी आपके इनेमल, डेंटिन या फिर आपकी जो पल्प होती है दांत पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यही है मेरा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।